बॉलीवुड के एनिमीज फॉरएवर है रानी मुखर्जी और काजोल, जो रिश्ते में एक दूसरे की कजन है, पर बावजूद इसके इनके रिश्ते शुरू से ही अच्छे नहीं रहे हैं, जिसके पीछे की वजह इन दोनों के परिवार वालों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर मतभेद रहे हैं, जिसका असर इन दोनों बहनों के रिश्ते पर भी खूब देखने को मिला है। दोनों ने ही एक दूसरे से अपनी दुश्मनी खूब निभाई और इसी दुश्मनी को निभाने के चक्कर में दोनों ने एक दूसरे का करियर तक बर्बाद करने की कोशिश की है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ काजोल नहीं बल्कि बॉलीवुड में कई ऐसी अभिनेत्रियां हैं जिनके साथ रानी मुखर्जी का दुश्मनी का रिश्ता है, जिनसे किसी से रानी मुखर्जी अपने प्यार को लेकर झगड़ा ले चुकी हैं, तो किसी से अपने बेबाक अंदाज को लेकर दुश्मनी मोल कर चुकी हैं। तो इस वीडियो में हम आपको रानी मुखर्जी के उन्हीं चार दुश्मनों से मिलवाने वाले हैं, तो देर ना करते हुए इस वीडियो को अंत तक देखिए। और इससे पहले इस अभिनेत्री के लिए हमारे वीडियो को लाइक करना न भूले। नंबर एक, शिल्पा शेट्टी। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम शामिल है अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का, जिन्होंने यूं तो कभी भी रानी मुखर्जी के साथ काम नहीं किया, पर इसके बावजूद इन दोनों के बीच काफी ज्यादा गहरी दुश्मनी है। और अब बात करें इसके पीछे की वजह की, तो आपको बता दें कि अपने फिल्मों में काम करने के दौरान रानी मुखर्जी और अजय देवगन की लिंक की खबरों आनी शुरू हो गई थी। खबरों के मुताबिक दोनों एक दूसरे को गुपचुप तरीके से डेट भी कर रहे थे, पर इन दोनों का रिश्ता कुछ समय चलने के बाद खत्म हो गया। और इसके पीछे अगर रानी मुखर्जी किसी को वजह मानती है तो वो है शिल्पा शेट्टी, जिन्होंने इन दोनों के रिश्तों के बारे में जानने के बाद अजय देवगन से इश्क लड़ाया। नंबर दो, ऐश्वर्या राय बच्चन। रानी मुखर्जी के साथ ही अपने करियर की शुरुआत करने वाली अभिनेत्री हैं ऐश्वर्या राय बच्चन, और इसी के चलते इन दोनों के बीच में शुरुआत से काफी ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग रही थी, जिनकी दोस्ती को देखकर लगता था कि ये दोनों बी टाउन की बेस्टीज बनने वाली है, पर लोगों की यही बात धरी की धरी रह गई। और जब एक साथ अपने करियर की शुरुआत करने वाली इन दोनों अभिनेत्रियों में कॉम्पिटिशन की भावना आ गई, और इसीलिए रानी मुखर्जी की फिल्में चलते चलते जब ऐश्वर्या राय को ऑफर की गई, तो वही अपनी पोजीशन का फायदा उठाते हुए रानी मुखर्जी ने ये फिल्म अपने नाम करा ली, और इसी के चलते दोनों के रिश्तों में काफी कड़वाहट आई। नंबर तीन, प्रीति जिंटा। यह नाम सुनकर आपको काफी ज्यादा हैरानी हुई होगी, क्योंकि प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी तो एक दूसरे की काफी अच्छी दोस्त मानी जाती है, पर आपको बता दें कि यह सिर्फ आधा सच है, क्योंकि अपनी फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके में काम करने के दौरान इन दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती हुई तो थी, पर आगे चलकर जब प्रीति जिंटा की रानी मुखर्जी के साथ साथ और बड़ी हस्तियों जैसे करण जौहर और शाहरुख खान से दोस्ती होने लगी, तो प्रीति जिंटा ने अपनी फिल्म कल हो ना हो में रानी मुखर्जी को हटवा दिया, जिसके चलते रानी मुखर्जी को लगता है कि प्रीति ने उन्हें धोखा दिया है। नंबर चार, जूही चावला। इस लिस्ट में आखिरी नाम शामिल है अभिनेत्री जूही चावला का, जो अपनी फिल्मों ही अपने बबली और क्यूट अंदाज में नजर नहीं आती है, बल्कि असल जिंदगी में भी ऐसी ही है, पर इसके बावजूद रानी मुखर्जी और इनके बीच काफी गहरी दुश्मनी है। दरअसल जैसा कि सभी जानते हैं कि जूही चावला ने अपने से काफी साल बड़े जय मेहता से शादी की थी, जिसके चलते इन्हें अपने इस रिश्ते के लिए आम जनता से काफी ज्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था, पर बॉलीवुड में एक रानी मुखर्जी ही थी जिन्होंने इनके रिश्ते को लेकर काफी ज्यादा आलोचना की थी, जो जूही चावला को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, और इसी की वजह से इन दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इनमें से किस अभिनेत्री के साथ रानी मुखर्जी ने फालतू में दुश्मनी मोल ले रखी है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और साथ ही बॉलीवुड जगत से जुड़ी ऐसी ही मजेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।